और अगली सबसे बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर किम जोंग का ये बड़ा बयान सामने आया। एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर है, कहा परमाणु हमला किया तो तबाह कर देंगे, यूएस या हमारे सहयोगियों पर परमाणु हमला बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग पर अमेरिका भी अब सख्त हो चुका है। तो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका की तैयारी को लेकर ही इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परमाणु हमले को लेकर परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी साउथ कोरिया भेजेगा यूएस। और अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच जिस तरीके से ये बड़ा समझौता हुआ है, ये चौंकाने वाली तस्वीरें और फैसले लिए जा रहे हैं, जहां फिलहाल कोरिया प्रायद्वीप में परमाणु हथियार तैनात नहीं कर रहे हैं, ये कहा गया है जो बाइडेन की तरफ से। और बाइडेन की धमकी और अमेरिका की तैयारी को लेकर जिस तरीके से बड़े फैसले हो रहे हैं, अब महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी के साउथ कोरिया जाने के मायने भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से तानाशाह पर न्यूक्लियर प्रहार को लेकर ये बड़े फैसले हो रहे हैं, किम जोंग के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका अलर्ट हो चुका है, किम जोंग के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए अमेरिका की तैयारी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आई है, जहां अमेरिका ने किम हद में रहने की बात कह दी है और परमाणु पनडुब्बी साउथ कोरिया भेजकर अमेरिका वर्चस्व दिखा रहा है, जहां नॉर्थ कोरिया के बहाने अमेरिका का चीन को क्या यह साफ मैसेज है, यही सबसे बड़ा संकेत है। हालांकि अमेरिका के परमाणु भंडार पर जिस तरीके से ये तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, एक और बड़ी खबर कि अमेरिका ने अब शुरू किया है न्यूक्लियर वॉरहेड का प्रोडक्शन, जहां यूएसएसआर के पतन के बाद पहली बार न्यूक्लियर वॉरहेड के प्रोडक्शन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। अमेरिका के कदम से दुनिया में अब परमाणु होड़ बढ़ने की भी आशंका है। तो यूएस के इस न्यूक्लियर मिशन को लेकर कई बड़े सवाल, लेकिन कैसे इसको लेकर खलबली मच गई है। अमेरिका की तरफ से लिए गए फैसले के बड़े संकेत हैं, बड़े मायने हैं कि यहां चीन को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड पर अब जिस तरीके से सबसे बड़ी खबर आई है, क्या यह कहना सही होगा कि अमेरिका ने अब न्यूक्लियर तैयारी भी शुरू कर दी है, क्या खतरा अब और ज्यादा बढ़ गया है।